नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये ट्रैक्टर भाई मतलब अपनी श्रेणी में भाई इतना शानदार ट्रैक्टर है कि इसके आगे सब फेल हैं। डीजल में तो आइशर जो समझ लीजिए हर ट्रैक्टर का बाप है, और पावर में अब आ गया भाई प्राइमा सीरीज में आइशर का 380। ये ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में भाई अलग ही पावर, अलग ही दमखम रखता है। और अब तो पहले उस तरीके के नॉर्मल डिज़ाइनिंग में आती थी, पर यूथ को देखते हुए कंपनी ने नए तरीके की डिज़ाइनिंग ली है। ये देखिए यहाँ पे है आइशर का 380 प्राइमा G3 सीरीज का ट्रैक्टर। यहाँ पे आपको कार की तरह हेडलैम्प्स, जो कि बिल्कुल कार का ही सेटअप यहाँ पर रख दिया गया है, और भाई बहुत शानदार इनका थ्रो है रात वगैरह में। और यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश फिनिश मिल जाती है, साथ में यहाँ पे आइशर का डेडिकेटेड आपको लोगो मिल जाता है, और 3D एयर कूलिंग सिस्टम आपको, ताकि इंजन ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिले। यहाँ पे आपको एक प्रीमियम सा लोगो जिसमें प्राइमा G3 की ब्रैचिंग दे दी जाती है। अगर फ्रंट बम्पर की बात कर लूँ तो फ्रंट बम्पर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको अगर वेट वगैरह लगाना है तो उसके लिए अलग से एक पत्ती दे दी गई है। अगर फ्रंट एक्सल की अब मैं बात करूँ तो आपको बीवेल गियर वाला फ्रंट एक्सल मिलने वाला है, जिसमें कि पडलिंग मास्टर ये फ्रंट एक्सल को कहा जाता है। इसकी टर्निंग रेडियस भी बहुत अच्छी होती है, और अगर हम इस ट्रैक्टर को पूरा अगर काट लें तो फ्रंट से ये 1 इंच तक की हाइट ऊपर कर लेता है अपने आप से। पावर स्टेयरिंग की अगर बात करूँ दोस्तों, तो आपको डुअल एक्टिंग वाला डुअल साइडेड पावर स्टेयरिंग मिल जाता है, जिसकी स्मूथनेस की एक अलग ही पहचान है। और अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे आपको माइको बॉश का इनलाइन 3 सिलेंडर का पंप मिलने वाला है, जिसमें कि ट्रैक्टर एवरेज के साथ साथ पावर को भी बहुत शानदार यहाँ पे कर देता है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह की, तो आपको यहाँ पे शानदार आइशर की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको 5 स्टार की ब्रांडिंग 380 के साथ मिल जाती है। यहाँ पे आपको साइड में ही बैटरी माउंटेड, यहाँ पे आपको बैटरी माउंट मिल जाती है। साथ में ही अब बात कर लेता हूँ इसके लिफ्ट पंप वगैरह की, तो डुअल लिफ्ट पंप है, जिसमें कि आपको एक पावर स्टेयरिंग का और एक आपका लिफ्ट का पंप मिल जाता है, जिसमें कि यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे बेहतरीन अल्टरनेटर मिल जाता है। अगर आपको इस ट्रैक्टर में म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगाना है तो इतनी पावर आराम से जनरेट करेगा ये कि आपका म्यूज़िक सिस्टम पूरी बेस निकाल सके। अगर इंजन के मॉडल वगैरह की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको सिम्पसन का ही इंजन मिलने वाला है, मतलब कि ये सुनिश्चित हो गया किसान भाइयों कि ये ट्रैक्टर डीजल सेवर तो 110% है। अब बात कर लें अगर गियर लीवर्स वगैरह की, तो आपको यहाँ पे 4 गियर आपको फ्रंट के, 1 गियर रिवर्स का, साथ में रेंज गियर लीवर की बात करूँ तो हाई और लो गियर बॉक्स आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। अगर मीटर वगैरह की बात कर लूँ तो बहुत शानदार मीटर आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल मीटर आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। साइड में ही आपको माउंटेड टूल बॉक्स मिलेगा, जिसमें कि सभी तरीके के स्पैनर्स वगैरह आपके यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। और एक बात और, बहुत सी कंपनियाँ क्या करती हैं, इधर उधर मेटल बॉक्स टूल बॉक्स कुछ भी है, प्लास्टिक का दे रहे हैं कुछ भी, बट आइशर एक ऐसी कंपनी है जिसका टूल बॉक्स मुझे शायद ही लगा किसी ट्रैक्टर का मैंने टूटा देखा हो। इस तरीके से माउंट किया जाता है कि ये कभी टूटने वाला है ही नहीं, और ड्राइवर के रेंज में 110% कभी भी कुछ भी निकालना है तो रीच में रहता है। यहाँ पे अगर लाइट्स वगैरह की बात कर लूँ तो आपको डेडिकेटेड आपको हेडलैम्प्स और इंडिकेटर लैम्प यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं पिछले टायर्स की बात कर लूँ तो 13/6/28 के MRF के टायर्स मिल जाते हैं। दूसरी कंपनी के टायर्स चाहिए हो तो वो भी आप कंपनी में बात करके ले सकते हो। फ्रंट टायर की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको 8/18 का MRF का ही यहाँ पे टायर मिलने वाला है। और अब चलते हैं पिछले हिस्से में, तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट वगैरह हेलोजन सेटअप मिलेगा। यहाँ पे आपकी वर्किंग लाइट जो है आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है, और काफ़ी बड़ी वर्किंग लाइट आपको यहाँ दी जाती है। लिफ्ट लीवर की बात कर लूँ, यहाँ पे आपका ड्राफ्ट लीवर है, यहाँ पे आपका पोजीशन लीवर है। मुझे इस ट्रैक्टर की जो प्राइमा जब से लॉन्च हुआ है, एक बात बहुत शानदार लगी कि लिफ्ट के जो लीवर्स हैं वो थोड़ी से प्रीमियम क्वालिटी में कन्वर्ट किए गए हैं, ताकि थोड़ा सा इसमें क्या है प्रीमियमिटी जो है ना, एक अलग सी, जैसे एक कार का मॉडल आता है बेस मॉडल और उसके बाद आता है एक प्रीमियम मॉडल, तो ये है भाई आइशर का 380 का प्रीमियम मॉडल। बेस मॉडल लेना है तो आप सिल्वर कलर में ले सकते हो जो पुरानी डिज़ाइनिंग में आता है, और प्रीमियम मॉडल में लेना है तो आप आइशर के प्राइमा सीरीज़ में ज़रूर जा सकते हो। और यहाँ पे आइशर की ब्रांडिंग उस तरफ आपको 380 की ब्रांडिंग, और लिफ्ट वगैरह की बात कर लूँ तो 1,500 से 2,000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। पिछले हिस्से की अगर बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे
बुल पिनियन वाला पिछला हिस्सा मिलने वाला है, ऑयल एमोस शानदार डिस्क ब्रेक्स मिलने वाले हैं दोस्तों। इस तरीके की यहाँ पे आपको पीटीओ के लीवर मिलने वाले हैं जिसमें आप 540 और गियर्स के साथ पीटीओ को ऑपरेट कर सकते हो दोस्तों। ये कुछ था ऐसा वीडियो आइशर 380 के बारे में। मिलते